और अब बात करते हैं डिंडोरी की, जहां एक शिक्षक की अजब प्रेम की गजब कहानी सामने आई है। शिक्षक पत्नी से इतना प्यार करता था कि मौत के बाद भी उससे दूर नहीं रह सका। पत्नी की बीमारी से मौत हो गई तो उसे घर में ही दफना दिया। आसपास के लोगों को जब इसका पता चला तो वे दहशत में आ गए। उन्होंने पहले थाने में शिकायत की, सुनवाई नहीं होने पर कलेक्टर के पास पहुंच गए। प्रशासन ने शिक्षक के घर खुदाई कर शव निकाला। इसके बाद शव का अंतिम संस्कार करवाया गया। शिक्षक ने खुदाई का विरोध करते हुए कहा, मैं मानव और दानव दोनों को समान समझता हूँ। डिंडोरी के वार्ड 14 में बिरसा मुंडा स्टेडियम के सामने का मकान, इसी घर में ओमकार दास मोगरे रहते हैं। वे प्राथमिक स्कूल हमलई में शिक्षक है। 25 साल पहले उनकी शादी रुक्मिणी से हुई थी। उनकी कोई संतान नहीं है। ओमकार के लिए रुक्मिणी ही सब कुछ थी। मंगलवार सुबह पत्नी की मौत हो गई। वेसिकल सेल की बीमारी से पीड़ित थी। बीमारी के चलते उसे थकान, कमजोरी और एनीमिया की शिकायत थी। पत्नी दुनिया छोड़कर चली गई, लेकिन ओमकार का मन इसे मानने को तैयार नहीं हुआ। उन्होंने पत्नी को घर में ही दफना दिया। मंगलवार रात जब यह बात पड़ोसियों को पता चली तो वे दहशत में आ गए। महिलाएं और बच्चे डर गए। सभी पड़ोसी थाने पहुंच गए। पुलिस ने कार्यवाही से इनकार कर दिया। बुधवार को पड़ोसी कलेक्ट्रेट पहुंच गए। यहां एसडीएम बलवीर रमण के निर्देश पर नायब तहसीलदार ने कार्यवाही का भरोसा दिया। तहसीलदार गोविंद राम सलामे पुलिस टीम के साथ बुधवार शाम वहां पहुंचे। घर की खुदाई करवा कर रुक्मिणी का शव बाहर निकाला गया। शव को देर रात समाज की रीति के मुताबिक नर्मदा किनारे दफना दिया गया। शिक्षक के भांजे जयपाल दास पारस ने बताया कि मामी के गुजर जाने से मामा को गहरा सदमा लगा है। वो मामी को घर में ही दफनाने की जिद पर अड़ गए। कहते रहे कि मैं अकेले इस घर में नहीं रह सकता। सभी रिश्तेदार समझा कर थक गए। आखिरकार मंगलवार शाम को ही सब को घर में ही दफना दिया गया। वे 25 साल से निसंतान है, इस बात का दुख उन्हें हमेशा रहा। पत्नी के निधन से वे पूरी तरह से टूट गए हैं। मैं मानव और दानव में दोनों समान समझता हूँ। इसका एडवांस ग्रोथ किया जा रहा है कि उसको नियंत्र कहीं जाकर उसका संस्कार किया। सब को निकलवा के विधिवत शमशान घाट में विधि विधान से उनका अंतिम संस्कार करने के लिए भिजवा रहे हैं।